हेलो गाइस, दिस इज कार्तिकेय पांडे एंड यू आर वाचिंग न्यू ऑनलाइन कोचिंग। गाइस, जैसा कि हम लोग रे ऑप्टिक्स के लेक्चर सीरीज कर रहे हैं, उसमें ऑलरेडी 3 पार्ट्स आ चुके हैं, जिसमें कि अपन लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए अपन लोगों ने, वेक्टोरियल ट्रीटमेंट किया, रोटेशन ऑफ रेज किया, एंगल ऑफ डेविएशन और कॉन्सेप्ट किया, मतलब बहुत सारे वेरिएशन अपन लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। आज अपन लोग कवर करेंगे फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट। किसका कवर करेंगे? फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया ये बता दीजिए मुझे, ये जो फील्ड ऑफ व्यू है जो आप बोल रहे हैं, FIRD फील्ड ऑफ व्यू, ये है क्या? क्वेश्चन इज दैट कि फील्ड ऑफ व्यू का मतलब होता क्या है। तो जैसे लेट अस सपोज कि एक शीशा यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है बच्चा, और कोई ऑब्जेक्ट वहाँ पे रखा है, तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज इस शीशे में यहाँ पे खड़ा हुआ आदमी देख लेता है ना, लेकिन वो आदमी खुद की इमेज उस शीशे में नहीं देख पाता। मतलब ऐसा क्यों हुआ? उसके पीछे कोई कोई रीज़न होगा। जैसे मेरा कहने का एग्जांपल ये है कि जैसे ये कोई लेट अस सपोज ये कोई मिरर है बेटा, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहाँ पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर देख लेता है। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे सिंपल सा जवाब ये है कि इस ऑब्जेक्ट से जाने वाली रेस ऐसे जाती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर रिफ्लेक्ट होकर के और ऑब्जर्वर के पास पहुंच जाती हैं, तो उसे अपीयर होता है जैसे ये रेस कहाँ से आ रही हैं, यहाँ से आ रही हैं, तो इस ऑब्जेक्ट की वो इमेज कुछ यहाँ पर देख पाता है ना, लेकिन वो ऑब्जेक्ट खुद की इमेज इस पर्टिकुलर मिरर में नहीं देख पाएगा, है ना। लेकिन अभी हम उस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ से ला के यहाँ रख दें तो वो खुद की इमेज देख पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से आने वाली रेस जो आएंगी ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के डायरेक्ट उसके पास पहुँच सकेंगी, जिसकी वजह से वो खुद की इमेज यहाँ पे देख पाएगा, है ना। मतलब उसकी इमेज भी यहाँ से यहाँ आ चुकी होगी उस ऑब्जेक्ट की। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज हमें तभी दिख पा रही है जब हमें रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही हैं। मतलब ऑब्जर्वर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को तभी ऑब्जर्व कर पाएगा जब वो क्या देख पाए, जब वो रिफ्लेक्टेड रेज के जोन में लाई करे, या जब वो रिफ्लेक्टेड रेज को देख पाए या रिफ्लेक्टेड रेज उसके पास पहुंचे, तभी वो जा करके क्या देख पाएगा, ऑब्जेक्ट की इमेज देख पाएगा। क्लियर है? तो अपने से हमने एक जोन डिफाइन कर लिया कि द जोन और द एरिया और द फील्ड वेयर रिफ्लेक्टेड रेज विल लाई आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, that particular zone or the field or the area will be known as what? Field of view. That will be known as field of view. मतलब उस जोन में यदि हमारा ऑब्जर्वर लाई करेगा तो उस ऑब्जर्वर को गिवन ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी, और यदि उस जोन में लाई नहीं करेगा तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जर्वर को नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि वो फील्ड ऑफ व्यू में नहीं है। तो ये तो समझ में आ गया अपन को, है ना। अब इसको अपन लोग थोड़ा सा और ब्रॉड वे में, या मतलब एक अच्छे से बेटर मैनर में कवर अप करने की कोशिश करते हैं। ओके गाइस, सो लेट्स सी एंड टॉक अबाउट इट। ध्यान से समझना बेटा थोड़ा सा, है ना, इसको अपन लोग अच्छे से कवर करते हैं। लेट अस सपोज कि ये आपका एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये ऑब्जेक्ट है बच्चा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज ये वाली रे और ये वाली रे, सॉरी यही दोनों रेज हैं जिनका कि मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हो सकता है। उसके नीचे वाली रेज का तो रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, ना ही उसके ऊपर वाली रेज का रिफ्लेक्शन होगा। इन्हीं दोनों मैक्सिमम रेज का रिफ्लेक्शन हो सकता है, तो इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये कुछ ऐसे जाएगी, और इसका रिफ्लेक्शन होगा तो कुछ ये ऐसे जाएगी। क्लियर है बच्चा? तो हम देख सकते हैं कि इस जोन में जहाँ पर भी हम ऑब्जर्वर को रख देंगे, उस पूरे के पूरे जोन में ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज जो कि रिफ्लेक्ट हुई होंगी रिफ्लेक्टेड सरफेस से, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, वो मिल सकेंगी। मतलब इस जोन में यदि हमारा ऑब्जर्वर होगा तो उसे इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी। कहाँ पे दिखेगी? लाइक दिस। इनको पीछे एक्सटेंड करने पे ऐसा दिख रहा होगा, लग रहा होगा कि भैया यहाँ से वो सारी रेज ऐसे जा रही हैं। क्लियर है बच्चा? सो दिस पर्टिकुलर जोन इज नोन एज फील्ड ऑफ व्यू।
क्लियर हुआ? इसीलिए ऐसा हो रहा था कि यदि ऑब्जेक्ट यहाँ था और ऑब्जर्वर यहाँ था तो उस ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिख रही थी, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को खुद की इमेज क्यों नहीं दिख रही थी? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट से जाने वाली रेज रिफ्लेक्ट होकर के कुछ ऐसे स्प्रेड हो रही हैं और उस जोन में ये ऑब्जेक्ट नहीं लाई कर रहा, इसीलिए इस ऑब्जेक्ट को खुद की इमेज नहीं दिख रही थी। क्लियर है गाइस? तो फील्ड ऑफ व्यू क्या है ये तो हम लोग को समझ में आ गया। अब एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जो फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट है, क्या है जो फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट है, वो हो सकता है कि ऊपर का जोन आप लोगों को थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, तो टेंशन नहीं लीजिएगा, इसको मैं और नीचे लिख देता हूँ। आई थिंक ये दिख ही रहा होगा, बट इवन देन मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ, ये हमारा फील्ड ऑफ व्यू। क्लियर बच्चा? ये जो एरो ऊपर लगा इसको नीचे लगा देता हूँ, हाँ लाइक दिस। तो ये पर्टिकुलर जोन, ये पर्टिकुलर एरिया फील्ड ऑफ व्यू है। अब फील्ड ऑफ व्यू की बात करें तो प्लेन मिरर के केस में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, इजी होते हैं, उतना कुछ कठिन वेरिएशंस नहीं होते। लेकिन जब अपन बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की, वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वहाँ पे थोड़ा सा हमें समझना पड़ता है अच्छे से, मतलब ज्योमेट्री का यूज़ करना होता है, बट यहाँ पे ईजी है। चलिए देखते हैं, तो इसे मैं रफ करता हूँ बच्चा, और एक हम बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो मैं क्वेश्चन अपनी क्लासेस में हरदम देता हूँ, एंड आई थिंक जो मैंने पहले वीडियोस अपलोड किए होंगे, शुरुआत के एक दो वीडियोस, उन वीडियोस में मैंने उसके बारे में दिया भी था वो क्वेश्चन, कि लेट अस सपोज कोई एक ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बच्चा, ठीक है, कोई एक ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एंड लेट अस सपोज ये एक्सिस सिस्टम है बच्चा, ये ओरिजिन है 0,0, और यहीं पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। क्या रखा है बेटा? ऑब्जेक्ट रखा है ओरिजिन में, और इसी ओरिजिन में हमारा एक ऑब्जर्वर खड़ा है लाइक दिस, ठीक है बच्चा, मतलब ग्राउंड से ऐसे खड़ा है। अब बता रखा है कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2,2 और इसके कोऑर्डिनेट्स 2,4 हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ऑब्जर्वर की मैक्सिमम हाइट क्या हो सकती है जिसके लिए उस ऑब्जेक्ट की इमेज को वो इस मिरर में देख पाएगा, और ऑब्जर्वर की मिनिमम हाइट क्या होगी जिसके लिए वो ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर में देख पाएगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को अपन को बहुत ही ध्यान से समझें, सोचें, एनालाइज करें तो बहुत इजी हो जाएगा। कैसे? चलो देखते हैं। तो ध्यान से समझना, ये वाली रे रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जा रही होगी, और ये वाली रे रिफ्लेक्ट होकर के कुछ ऐसे जा रही होगी, तो इसको ज्वाइन करा लीजिए, तो जो मैक्सिमम हाइट हो जाएगी वो एच मैक्सिमम हो जाएगी, एच मैक्स, और ये हो जाएगी एच मिनिमम। क्यों मैंने ऐसा लिखा? क्योंकि देखो यदि उससे बड़ी हाइट हो जाएगी, मतलब उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वर की जो आईज हैं यदि उससे ऊपर की हाइट पे हो जाएंगे तो वो ऊपर निकल जाएगा, और उसके नीचे से यहाँ पे कुछ ऐसे आ रही होंगी रिफ्लेक्टेड रेज, मतलब उसको रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगे ही नहीं क्योंकि वो जोन के बाहर चला जाएगा। उसी तरह यदि इससे छोटी हाइट हो जाएगी तो भी वो जोन में निकलाई करेगा। उसे यदि चाहिए, उसे यदि ये है कि मुझे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इमेज दिखे, तो उसे इसी जोन में लाई करना पड़ेगा, ये फील्ड ऑफ व्यू के जोन में। तो हम एक काम करते हैं, इसको पीछे एक्सटेंड कर लेते हैं लाइक दिस, लाइक दिस। क्लियर है गाइस? आप ध्यान से देखिए, तो इस ऑब्जेक्ट की ये हो जाएगी इमेज। हमें पता है पॉइंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, तो इस एक्सिस को ऐसे कर दीजिए, तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए और ये इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। तो यदि ये डिस्टेंस 2 था तो ये डिस्टेंस भी 2 हो जाएगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जो मैंने बोला था ना पहले की क्लासेस में, कि पॉइंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, तो वही वाला हाल है यहाँ पे, कि हमें वो बातें यहाँ पे याद रखनी है। नाउ कम बैक, अब ध्यान से देखिएगा, तो मैं इन्हें नाम दे देता हूँ ए बी सी डी ई। नाउ ध्यान से देखिए, तो ये वाला एंगल, एंगल एक इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी छोटा ट्राइंगल एंड बड़का ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई, एंगल ए इज कॉमन, कॉमन है, और जो एंगल ई है वो एंगल सी के बराबर है, दैट इज 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? ट्राइंगल ए, दिस ट्राइंगल वन इज ट्राइंगल टू के सिमिलर है, एक तरह से ट्राइंगल वन इज सिमिलर टू द ट्राइंगल टू, है ना। तो जब ट्राइंगल बाई ए प्रॉपर्टी जब सिमिलर दूसरे के सिमिलर हो गए, तो दिस साइड अपॉन दैट साइड कैन रिटन एज दिस साइड अपॉन दैट टोटल साइड, मतलब मैं लिख सकता हूँ बी सी साइड अपॉन डी साइड, दैट शुड बी इक्वल टू ए सी साइड
अपॉन ई ए साइड फ्रॉम दोज टू ट्राइंगल्स। तो बी सी की वैल्यू कितनी है? दो है। डी ई की वैल्यू कितनी है? दो है। ए सी की वैल्यू कितनी है रे? हाँ नहीं नहीं, डी की वैल्यू तो कहाँ है? डी की वैल्यू ही तो मैं निकालनी थी, एच मिनिमम। तो पुट इट देयर, एच मिनिमम अपॉन ए सी की वैल्यू कितनी है? ए सी की वैल्यू दो है और ई ए की वैल्यू कितनी है? चार है। तो दो से दो छः, दो यहाँ से क्या आ गया? एच मिनिमम इजकल टू फोर। इसी तरह आप ये वाला ट्राइंगल लेते और बड़का वाला ट्राइंगल लेते तो वहाँ से आपको एच मैक्स की वैल्यू कितनी मिल जाती बेटा? एच मैक्स आपको मिल जाता, वो मिल जाता एट। तो हमें पता चल गया कि जो उसकी ऑब्जर्वर की हाइट होनी चाहिए वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करनी चाहिए, 4.8 बिलोंग करनी चाहिए। क्लियर है? मतलब यदि उसकी हाइट मिनिमम हाइट 4 और मैक्सिमम हाइट यदि 8 होगी, मतलब उसके अंदर यदि उसकी हाइट रेंज लाई करती है तो वो उस ऑब्जेक्ट की इमेज को ऑब्जर्व कर पाएगा। यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सा, एकदम बहुत ही सुंदर सा, सुनहरा सा क्वेश्चन था ये, फील्ड ऑफ व्यू पे बेस्ड था। तो ये क्वेश्चन अपन लोगों ने इजीली कर लिया किन चीज़ों की मदद से? पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाया कि भैया ये जितने पे ऐसे तो ये ऐसे गया होगा, ये ऐसे गया होगा, बस इजी तरीके से। फिर उसके बाद हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री एंड बेसिक ज्योमेट्री या चाहे जो भी बोलो यार लगा दिया। क्लियर है? अब चलो अपन लोग क्वेश्चंस के लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं और डिफरेंट वेरिएशंस कवर करने के लिए आगे चलते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, मैं जो भी लिखवाता हूँ इट्स काइंड ऑफ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ उसको अपनी कॉपी में एक बार लिख जरूर लिया करिए, इट्स मस्ट फॉर यू। मतलब वो तुम्हारे लिए बहुत नेसेसरी है बच्चा, नोट्स बनाना। मैंने पहले बताया था कि मैंने नोट्स बनाई थी थोड़ी बहुत, उनका फ़ायदा आज तक मिला मेरे को। तो आप लोग को ही बोलूँगा कि नोट ज़रूर बनाया करिए। चलिए अब एक क्वेश्चन है कि एक कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है बच्चा, एक कोई ऑब्जर्वर है और वो चाहता है कि वो खुद की इमेज इस पर्टिकुलर शीशे में देख सके, इस पर्टिकुलर शीशे में वो खुद की इमेज देख सके। और इस ऑब्जर्वर की टोटल हाइट कितनी है? दैट इज लेट अस सपोज एच। तो अब क्वेश्चन ये है कि इस ऑब्जर्वर को यदि अपनी खुद की इमेज इस मिरर में देखनी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस में देखनी है, तो इस प्लेन मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए जिससे कि वो अपनी कंप्लीट इमेज देख पाए? तो इसका कई लोगों को आंसर पता होगा कि h बाई टू होता है, दैट्स ग्रेट। लेकिन बात यह कि हम इसे एनालाइज कैसे करेंगे, इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है? तो देखो, हम चाहते हैं कि कंप्लीट इमेज हमें दिखे अपनी। तो हमारी अपनी खुद की कंप्लीट इमेज हमें कब दिखेगी? हमें खुद की कंप्लीट इमेज तभी दिखेगी जब सर से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट, जो सर से रेज गई होंगी वो मिरर में रिफ्लेक्ट होने के बाद मेरी आईज में आए, और उसी तरह जो पांव से रेज गई होंगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से मेरी आईज में आए, तभी मैं अपने पांव को भी सेम टाइम पे देख पाऊंगा और इसको भी देख पाऊंगा, तो कंप्लीट इमेज हमको दिखेगी, है ना? तो यही कॉन्सेप्ट हमें लगाना है बहुत ईजी तरीके से। तो चलो अपन लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं मेथड नंबर वन से। किससे सॉल्व कर सकते हैं? मेथड नंबर वन से। कैसे? मान लिया कि ये रे ऐसे गई होगी, यहाँ से ऐसे गई और टकराई और यहाँ से यही जा पाएंगी, क्लियर है? और यहाँ से रे गई होगी और यहाँ पे ऐसे टकराई होगी और फिर ऐसे आ गई होगी रिफ्लेक्ट होकर के। अब मान लेते हैं बेटा यदि ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो यदि ये लेंथ एक्स है तो मजबूरी बस ये लेंथ भी एक्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो तो ये ट्राइंगल सिमिलर वाला केस हो गया ना, दोनों सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो गए। तो यदि ये थीटा है तो ये एक्स और ये भी एक्स हो जाएगा, है ना? अब अपने मन से मैंने मान लिया कि ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा थीटा डैश हो गया, तो ये भी हमारा थीटा डैश हो जाएगा। तो ये हमारा यदि वाई लेंथ है तो ये भी हमारा वाई लेंथ हो जाएगा। अब ध्यान से देखो तो हम यदि इसको ज्वाइन करा लें यहाँ पे, तो ये लेंथ कितनी है? दोनों पैरेलल साइड, तो यदि ये लेंथ वाई है तो ये भी कितना हो जाएगा? वाई हो जाएगा। और ये लेंथ कितना है? यदि ये लेंथ एक्स है तो ये भी लेंथ कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। तो यदि हम मानते हैं कि टोटल लेंथ मिरर की एल लेंथ थी, तो एल इजक्वल टू कितना दिख रहा है? एक्स प्लस वाई दिख रहा है। और एच इजक्वल टू कितना दिख रहा है? एच इजक्वल टू दिख रहा है टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई। अरे एक्स प्लस एक्स, वाई प्लस वाई, तो टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है? एच इजक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एल, मतलब एल इजक्वल टू क्या आ गया? एच बाई टू आ गया, है ना? मतलब मुझे पता चल गया कि मिरर की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए थी? एच बाई टू होनी चाहिए थी। अब यदि इससे कम लेंथ हो जाएगी तो आइधर ये वाली रे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी
और ये वाली रे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी, है ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या भैया हम मिरर लेंथ h बाई टू रखें, मतलब अपने हाइट की आधी हाइट का रखें और कहीं भी मिरर को रख देंगे तो हमें इमेज दिख जाएगी? तो आंसर है नो, ऐसा नहीं है। हमारा मिरर ऐसे रखा हुआ होना चाहिए कि एटलीस्ट वो ऊपर वाले पोर्शन के आधे में लाई कर रहा हो और एटलीस्ट वो नीचे वाले पोर्शन के आधे में लाई कर रहा हो, क्योंकि इस पूरे के पूरे मिरर को मैं यहाँ नीचे रख दूंगा तो ऑब्वियस है कि यहाँ से आने वाली रेज रिफ्लेक्ट होगी, दोबारा यहाँ पे नहीं जा पाएंगे, भले उसका लेंथ h by 2 रहे, h by 2 से थोड़ा ज्यादा हो जाए। सो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मिरर लेंथ मिनिमम h by 2 तो होनी चाहिए। चलो हमें बात ही पच गई, साथ में मिनिमम लेंथ h by 2 के होने के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि उसका जो मिरर होना चाहिए वो हमारे अपर लेंथ के एटलीस्ट आधे में, मतलब आई के जो ऊपर लेंथ है उसके आधे में लाई करना चाहिए और आईज के नीचे जो लेंथ है उसके आधे में लाई करना चाहिए, तभी हमको उस पर्टिकुलर मिरर में खुद की कंप्लीट इमेज दिखेगी। हाँ, ये बात अलग है कि इनके बीच का डिस्टेंस कुछ भी हो जाए, मतलब इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ दिस डिस्टेंस, मतलब आप बीच में कुछ भी डिस्टेंस रख दीजिए, दैट विल नॉट मैटर, बस मैटर ये करेगा उसके मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए, टोटल लेंथ का आधा होना चाहिए पहला चीज, और दूसरा ऊपर के हाफ के मिडवे में होना चाहिए मिरर एटलीस्ट, और नीचे के हाफ के मिडवे में होना चाहिए एटलीस्ट, तो हमें उस पर्टिकुलर मिरर में इस पूरे ऑब्जेक्ट की खुद की, मतलब खुद की पूरी इमेज दिख पाएगी। ओके गाइस, ये था मैटर नंबर वन। अब क्वेश्चन आता है कि मैटर नंबर टू से हम कैसे कर सकते हैं इसको, तो मैटर नंबर टू से भी इजीली कर सकते हैं। हमें क्या महसूस हो रहा होगा, आईज को दिख रहा होगा जैसे ये वाली रेज यहाँ से आ रही हैं, है ना, और ये वाली रेज यहाँ से आ रही हैं, जो ये वाली रेज रिफ्लेक्ट हो गई थी वो यहाँ से आ रही हैं, मतलब उसे सामने कुछ ऐसे खुद की इमेज ऐसे दिख रही होगी, लाइक दिस, ऐसे ही दिख रही होगी खुद की इमेज। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देख लीजिएगा इसको, अपने मन से ऐसे ज्वाइन करा लीजिए। अब यदि ये लेंथ मान लेते हैं, अपने मन से ये लेंथ मान लेते हैं टोटल, इसको मैं रख के दे रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है इसीलिए। अब मैं यदि वाली लेंथ मान लेता हूँ डी, तो नो डाउट कि ये लेंथ भी हो जाएगी कितनी, डी, क्योंकि हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी से पढ़ा कि जितना दूर पे ऑब्जेक्ट उतना दूर पे इमेज, तो ये लेंथ डी हो गया। अब ध्यान से देखो बेटा, ये वाला ट्राइंगल और बड़का ट्राइंगल बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर, ये वाला ट्राइंगल प्लस ये वाला ट्राइंगल, क्योंकि ये वाला एंगल कॉमन हो गया, है ना, और ये वाले साइड देखो ध्यान से, दोनों ये पैरेलल रेज हो गए, उनको ये कट किया है, तो ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, मतलब दिस ट्राइंगल एंड दैट ट्राइंगल बोथ आर सिमिलर। अब जब ये वाले बड़का ट्राइंगल एंड छोटा ट्राइंगल सिमिलर हो गया, तो दिस साइड अपॉन दैट साइड कैन बी रिटन एज दिस साइड अपॉन दिस टोटल साइड। तो यदि ये साइड मान लिया कि डी हो गई हमारी, तो डी अपॉन टोटल साइड 2d, अरे d प्लस डी आर 2d, क्लियर है, इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, दिस टोटल साइड मान लिया कि h, सॉरी l मान लिया, अपॉन दिस टोटल इमेज हाइट h, तो यहां से क्या आ गया, कट कर दो तो l इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा तुम्हारा यहां से h बाई 2, क्लियर है। सो मैं यहां से पता चल गया कि भैया मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, h बाई 2 होनी चाहिए, तभी हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इमेज को उस मिरर में देख पाएंगे। तो हमें एक आइडिया लग गया यहाँ से कि मिनिमम लेंथ उस मिरर की कितनी होनी चाहिए, क्लियर है गाइस, तो नोट इट डाउन, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में और अपन आगे बढ़ते हैं अब एक नई प्रॉब्लम के साथ। तो ये मेथड नंबर टू था, मेथड नंबर वन क्या था, डायरेक्ट रिफ्लेक्टिंग रेज दिखा करके, और मेथड नंबर टू क्या कह रहा था कि उधर की ओर इमेज बना लो तो भी आइडिया लग जाएगा, क्लियर है। अब जैसे लेट्स सपोज गाइस वी हैव वन मोर क्वेश्चन कि लेट अस सपोज कि यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है बेटा, लाइक दिस, और उसके सामने ये ऑब्जर्वर है, ये कौन है बेटा, ऑब्जर्वर की आईज हैं, और उसके पीछे जस्ट मिडवे पे एक वॉल है, मतलब यदि ये लेंथ d है तो ये लेंथ भी d है, मतलब कि एक वॉल है सफिशियंट लेंथ की, उसके आगे एक शीशा लगा हुआ है, और वॉल और शीशे के बीचों बीच कौन खड़ा है, ऐसे ऑब्जर्वर खड़ा है, और अब वो ऑब्जर्वर चाह रहा है, दैट ऑब्जर्वर इज विशिंग कि उसे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इमेज दिख सके, क्लियर है, क्या दिख सके, इमेज दिख सके। तो हमें बताना है
कि जो ऑब्जर्वर है उसे कितना लेंथ उस मिरर में दिख रहा होगा, पीछे जो वॉल होगी वॉल का सफिशियंट लेंथ माना है और गिवन रखा है कि इसका लेंथ कितना है, एल है। मिरर का लेंथ कितना है बेटा, एल है। अब उस मिरर लेंथ एल लेंथ के मिरर में उस दीवार का कितना पोर्शन उस ऑब्जर्वर को दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन को मेथड नंबर वन मेथड नंबर टू हम दोनों लगा के इजिली सॉल्व कर सकते हैं, इजिली वी कैन सॉल्व इट। तो चलिए हम पहले मेथड नंबर M1 से करते हैं, मेथड नंबर 2 से आप ट्राई करिएगा, ठीक है बच्चा। तो ध्यान से देखिए, ये वाली रेस यहां से आने वाली है, ऐसी रेस यहां से रिफ्लेक्ट होकर के ऑब्जर्वर के पास गई होंगी और ठीक उसी तरह यहां से आने वाली रेस ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के ऑब्जर्वर के पास गई होंगी। यही दो मैक्सिमम रेस है जो रिफ्लेक्ट होकर के ऑब्जर्वर के पास जा पाएंगे, उसके बाद की रेस नहीं जा पाएंगी, ऑब्वियस है। तो हम एक काम करते हैं, यदि ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो समझिएगा। यदि ये लेंथ एक्स है तो ये लेंथ भी एक्स हो जाएगी। तो हम इसको पैरेलल लाइन जोड़ लें ऐसे, तो ये लेंथ तो एक्स ही रहेगा लेकिन ये लेंथ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए, तो ये वाला ट्राइंगल जो बड़का ट्राइंगल है, इट इज लुकिंग लाइक दिस। तो यदि ये लेंथ एक्स है और ये थीटा है और ये लेंथ डी है और ये भी डी है, तो नो डाउट कि इसे 2x होना पड़ेगा, तभी भी ये मेंटेन रह पाएगा, सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट। तो वही मैंने लिखा है कि भैया ये कितना हो गया, 2x हो जाएगा, क्लियर है। अब चलो मान लेते हैं कि ये लेंथ थीटा डैश हो गया, तो ये भी, सॉरी ये वाला एंगल थीटा डैश हो गया तो ये भी थीटा डैश हो जाएगा। तो यदि ये लेंथ वाई है तो ये भी लेंथ क्या हो जाएगी, 2y हो जाएगी। तो अब ध्यान से देखिए, हम उसको यदि यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करा लें इन पॉइंट्स को, तो ये लेंथ x रहेगी पैरेलल डिस्टेंस और ये लेंथ y रहेगी। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, l इज इक्वल टू कितना हो गया, x प्लस y हो रहा है, और ये टोटल लेंथ मैंने मान ला माना कि h है, तो h इज इक्वल टू कितना दिख रहा है, 3 times ऑफ x प्लस y, मतलब h इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 times ऑफ l। मतलब मुझे एक आइडिया लग गया कि उस पर्टिकुलर मिरर के, यदि l लेंथ का मिरर है तो उस मिरर पे वॉल का कितना पोर्शन दिख रहा होगा, 3l पोर्शन दिख रहा होगा, 3l लेंथ दिख रही होगी। इज इट क्लियर? ये हमें आइडिया लग गया कि यदि यहाँ पे l लेंथ का मिरर है तो उसमें 3l लेंथ की हमें वॉल दिख रही होगी, जो ऑब्जर्वर बीच में खड़ा होगा उसको, क्लियर है। मतलब हम यदि यहाँ पे खड़े हैं, मेरे पापा पीछे खड़े हैं और सामने एक शीशा लगा हुआ है h लेंथ का, तो पापा का 3h पोर्शन हमें दिखेगा, क्लियर है। कब? जब हम मिडवे में खड़े होंगे तब, क्लियर है। तो इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी के एप्लीकेशन पे जो ये जो हमने सीखा अभी, इसी के बेस पे मेथड नंबर 2 से आप ट्राई करिएगा, इसको ऐसे वॉल बना लीजिएगा, सिमिलरिटी दिखा लीजिएगा। तो ये डिस्टेंस 2d हो जाएगा, ये डिस्टेंस d ऑलरेडी रहेगा ही, वहां सॉल्व कर लीजिएगा, क्लियर है। चलिए गाइस, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब मान लीजिए बोल रखा है कि दो यहां पे ऐसे रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस हैं, एल लेंथ की हैं, और इनके बीच में कहीं पे, मतलब नहीं पता कि इससे बीचों बीच है नहीं, आई डोंट नो, बट यहां पे एक लैंप रखा है, बर्निंग लैंप, क्लियर है बेटा। और जितनी दूरी पे वो बर्निंग लैंप रखा हुआ है, यदि डी डिस्टेंस पे, उतनी ही दूरी पे क्या है, एक पर्टिकुलर रोड है जिस रोड में एक ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, विद स्पीड वी, वी के स्पीड से एक ऑब्जर्वर मूव कर रहा है उस रोड में। तो क्वेश्चन ये है कि उस ऑब्जर्वर को, जो कि कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है वी के, उस ऑब्जर्वर को कितने टाइम के लिए इस बर्निंग लैंप का इमेज इन पर्टिकुलर मिरर्स में दिखेगा। कोई आपको ये हिंट नहीं दिया है कि ये कहाँ पे रखा हुआ है। हाँ, ये जरूर पता है कि इसके और इसके बीच में कहीं पे रखा हुआ है, मतलब बीच में, मतलब कि बीच वाले जोन में कहीं रखा है, बीच में नहीं कि मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर में, बट इस एरिया में रखा हुआ है। और ये जो लैंप है उसका दूरी ऑब्जर्वर से उतना ही है जितना कि लैंप का दूरी मिरर से है। तो
अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, टाइम कितने टाइम के लिए दिखेगा? तो हम फील्ड ऑफ व्यू को जोन बनाते हैं, यहाँ से पहुँचने वाली रेज ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के जाएंगी और ये वाली रेज ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के जाएंगी, हाँ या ना? फिर उसी तरह ये वाली रेज रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जाएंगी और ये वाली रेज रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जाएंगी, है ना? मतलब हमें पता है कि जब इस जोन में ऑब्जर्वर रहा होगा तब उसे देखने को मिला होगा लैंप, फिर बीच में नहीं देखने को मिलेगा और फिर से यहाँ मिलेगा। तो हमें पता है कि जब बीचों बीच खड़ा होता है तो यदि ये लेंथ एल है तो ये कितनी लेंथ होनी चाहिए, 3L लेंथ होनी चाहिए ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। उसी तरह यदि ये एल लेंथ है तो ये भी कितनी होनी चाहिए, 3L लेंथ होनी चाहिए। मतलब वो कितनी लेंथ के लिए वो पर्टिकुलर ऑब्जर्वर इस लैंप को देखा है, 6L लेंथ के लिए, और कितने की वेलोसिटी से, स्पीड से, वी के स्पीड से। सो टोटल टाइम इज इक्वल टू कितना आ गया, 3L प्लस 3L अपॉन वी, दैट इज 6L बाई वी। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि भैया कितने टाइम के लिए वो पर्टिकुलर लैंप की इमेज वो ऑब्जर्वर देखा होगा यदि वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है और ऐसा ऐसा कंडीशन है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता था कि इन दोनों का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाए या बीच में कोई कॉमन एरिया हो जाए, तो क्या तब भी 6L लेंथ होगा? तो आंसर है कि नो। लेकिन मैंने जानबूझ के जब लैंप को बीचों बीच रख दिया तो इसका फील्ड ऑफ व्यू इधर लाई करेगा और इसका फील्ड ऑफ व्यू इधर लाई करेगा, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन होने का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, इसीलिए ऐसा हो पाया। यदि अभी यहीं पे हम यहाँ पे रख दिए होते तो इसका भी फील्ड ऑफ व्यू इधर की ओर होता और इसका भी फील्ड ऑफ व्यू इधर की ओर होता, तो हो सकता था कि दोनों कुछ एरियाज इंटरसेक्ट कर जाते हैं, तब हमें आइडिया ना होता कि कितने टाइम के लिए वो देख पाएगा। लेकिन जो हमारा ऑब्जर्वर था वो बीचों बीच था, जिसकी वजह से इसका फील्ड ऑफ व्यू और इसका फील्ड ऑफ व्यू एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर ही नहीं पाए, कोई कॉमन एरिया डेवलप ही नहीं हो पाया। दैट्स वाई हमने ईजिली पता कर लिया कि भैया कितने टाइम के लिए उस पर्टिकुलर लैंप का इमेज इन मिरर्स में उस ऑब्जर्वर को दिखा होगा। क्लियर है गाइस? अब इसी पे बेस्ड, मतलब इसी तरह पे बेस्ड, जैसे कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू पे बेस्ड ही एक क्वेश्चन आपको मैं और दे रहा हूं बच्चा। ये सारे क्वेश्चंस आप वीडियो को पॉज कर करके बीच बीच में और खुद से सॉल्व करते रह करिए, ठीक है ना? क्योंकि मैं जो भी कराऊंगा नो डाउट कि पूरा नीट एडवांस बोर्ड सब कुछ कवर करते हुए चलेगा। और ये भी बोल दे रहा हूँ कि यदि आप पूरा पढ़ लिए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ एंड एक बार आप पूरा नोट्स बना लीजिए उसको, और जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दोज 30-40 लेक्चर्स, देन यू विल कम टू नो कि हाँ यार ऑप्टिक्स अब बनने लगा यार, अब ऑप्टिक्स में मेरे से इंडिया में कोई भी बात करे हाँ ठीक है काफ़ी कुछ बनेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब मेरे से ऑप्टिक्स बहुत अच्छा बनता है मास्टर या कुछ भी, नो डाउट ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ लेकिन इतना है कि जो जेई एडवांस के लिए ऑप्टिक्स की जरूरत होती है लगभग उतना बनता है, दैट इज मोर देन सफिशियंट। यार मैं कोई रिसर्च नहीं कर रहा हूँ ऑप्टिक्स पे, ये मुझे भी पता है आपको भी पता है, मैं कोई डिग्री होल्डर पीएचडी होल्डर तो हूँ नहीं, रिसर्च स्कॉलर। हाँ लेकिन यदि मैं आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कराने वाला टीचर हूँ तो मुझसे उस तरह की चीज़ें आनी चाहिए, वो मेरे से आती हैं और वही मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से भी बनने लगे। कोई मैं यहाँ पे आपको रॉकेट साइंस नहीं सिखाने वाला हूँ, लेकिन इतना जरूर मैं चाहता हूँ कि जितना भी आपको एग्जाम में आने वाला है वो आपको समझ में आ जाए, वो आपसे बनने लगे। क्लियर है गाइस? तो अब एक और अगला क्वेश्चन है कि लेट सपोज एक मिरर है सफिशियंट लेंथ का है, ठीक है, और उसके सामने एक आदमी खड़ा है ऐसे टोपी लगा के, ठीक है बच्चा, और इसकी जो आईज की हाइट है वो है 164 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो इसकी कैप है उसके टॉप की हाइट है 170 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ये है कि इस पर्टिकुलर मिरर में जिसकी सफिशियंट लेंथ है हम कहाँ पे होल कर दें कि वो इस पर्टिकुलर वो पर्सन अपने हैट के टॉप को ना देख पाए, मतलब अपनी टोपी जो है उस टोपी के टॉप को ना देख पाए। क्लियर है? हो सकता है कि आज आप लोगों को वीडियो में मेरा जो सर है बाल है वो क्रॉप कर कर करके दिख रहे होंगे, उसके पीछे रीजन है कि मैंने थोड़ा ज़्यादा जूम कर लिया है आई थिंक कैमरे में, इसीलिए इशूज आ रहे होंगे। सो टेंशन मत लीजिएगा, कंटेंट पर फोकस करना है। क्लियर गाइज? चलिए तो क्वेश्चन ये कि यहाँ पे कहाँ पे होल कर दें कि उसे अपने टॉप मतलब जो हैट है उसका टॉप ना दिखे। तो ऑब्वियस है कि हम क्या चाहेंगे कि यहाँ से आने वाली रेज रिफ्लेक्ट होकर के जाने ही ना पाए, वो सीधे सीधे ऐसे पास कर जाए, तो जब ऐसे पास कर जाएगी तो रिफ्लेक्ट होकर आ ही नहीं पाएगी तो वो टॉप नहीं देखेगा। तो ये टोटल लेंथ कितनी है, 6 है, 170 माइनस 164, तो इसके आधे में एकदम होना चाहिए होल। यदि उसके आधे में होल कर देंगे तो ये वाली रेज सीधे पास कर जाएगी, मतलब आंसर इज 167 सेंटीमीटर, 167 सेंटीमीटर की हाइट पे होल होना चाहिए यहाँ पे कुछ फ्रॉम द ग्राउंड।
क्लियर है, तब जा करके उस पर्टिकुलर पर्सन को उस हैट का टॉप नहीं दिखेगा। क्लियर है गाइस? सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इस वीडियो में आई थिंक कि आप लोगों को फील्ड ऑफ व्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। और देखिए एक बात और बता दे रहा हूँ कि मैं 60 मिनट 70 मिनट के वीडियो नहीं देने वाला हूँ। उसके पीछे रीज़न ये आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो फिर वो पूरी वीडियो स्किप कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो पढ़ भी नहीं पाते और मतलब एक अलग इम्पैक्ट जाता है, गलत इम्पैक्ट जाता है उनके ऊपर कि इसमें वो टॉपिक नहीं मिला जो हम सर्च करने आए थे। तो इसीलिए भी मैं इसको थोड़ा थोड़ा फेजेस बनाने वाला हूँ, बट ये पूरा का पूरा एक तरह से देखा जाए तो एक लेक्चर था, वीडियो में था इसलिए आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वीडियो में क्या है, पढ़ाया मिटाया पढ़ाया मिटाया पढ़ाया मिटाया पढ़ाया मिटाया। यदि यही क्लासरूम में होता तो पढ़ाया, देन बच्चों को लिखाया, देन उनसे पूछा कि समझ में आया कि नहीं आया, देन मिटाया। क्लियर है? ये वाला हाल है। क्लियर गाइस? सो इन सारी बातों को ध्यान रखना है ना। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर एंड आई होप सो कि आप लोग को समझ में आया होगा। सो गाइज, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियोस को वेट किया करिए। डेली 12:30 बजे वीडियोज आती हैं ऑप्टिक्स की। यदि जिस दिन नहीं आएंगे उस दिन कोई ना कोई नोटिस आप लोग को जरूर मिलेगी क्यों नहीं आ पाया। क्लियर गाइज? सो कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग न्यू वीरा ऑलवेज। बॉय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।